अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह आज ये बच्चे मेरे जो हैं एक बॉक्स को ओपन करने में लगे हुए हैं। हमारा एक कार्गो आना था, बहुत टाइम से हमें उसका वेट था, तो आज वो सुबह सुबह हमें रिसीव हो गया है। तो मैं ओपन करने लगी तो बच्चे सब नाइफ और सीजर लेके स्टार्ट हो गए हैं उसको ओपन करने के लिए। कोई भी काम करो, बच्चों को बहुत दिलचस्पी होती है उस काम में, मैं अपना हिस्सा डालने की। चलिए अभी मैं इसको ओपन करती हूँ। और व्यूअर्स, मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं, ये बच्चों के कुछ टॉयस रिसीव हुए हैं। इतने प्यारे प्यारे से, इतनी प्यारी डॉल्स हैं ये सारे बच्चों की डॉल्स आई हैं। ये देखें इस तरह। और ये आयजा का बैग है, ट्रॉली वाला, तो बहुत वो था, मुझे ट्रॉली वाला बैग लेना है। अब जैनब ये अपना क्या दिखा रही हैं, अपनी फीडर दिखा रही हैं जैनब। ओके, बहुत प्यारी है जैनब। और इसके अलावा अभी भी सारा रूम मेरा मेसी हुआ है। आस्ते आस्ते मैं समेटूंगी। ये मेरा क्रंची पीनट बटर है, बहुत टाइम से मैंने नहीं खाया था, तो बस अभी ये दो बॉटल्स ये रिसीव हुई हैं। इसके अलावा बच्चों का ये हॉर्लिक्स है, और मेरा मोस्ट फेवरेट कैडबरी का कोको पाउडर, कि मैं कैडबरी का कोको पाउडर यही यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा एक टिन आया है मिक्स फ्रूट का, एंड हमारा टैंक बच्चों के लिए। एंड हाँ, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फेस वॉश आया है, अभी मैं यूज़ करूँगी देखने में। मैंने इसको पढ़ा है, वैसे तो बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, अगर आपको नज़र आ जाए। नीम फेस वॉश है ये, पीछे मैंने सारा इसका पढ़ा है, बहुत अच्छा ये लग रहा है, इसका रिज़ल्ट भी अच्छा लग रहा है। अब मैं यूज़ करूँगी, फिर आप लोगों को इसका रिव्यू दूँगी कि कैसा है ये। और मैं आप लोगों को क्या दिखाऊं, और ये बच्चों की वाटर बॉटल्स हैं, बहुत अच्छी प्यारी सी आई हैं ये बॉटल्स। अभी ओपन नहीं हो रही मुझसे। बच्चों के लिए बिस्किट्स आए हैं, और जहाँ के लिए पाउडर आया है, इनकी कैंडीज हैं, बैलून्स हैं, इतना सारा सामान आया। बच्चे तो देख देख के बहुत ही खाली हो गए हैं, इतने एक्साइटेड हुए हैं बच्चे, उस वक्त से सामान के पीछे लगे हुए हैं सब। ये हाई चेयर्स हैं कुछ, और यहाँ पर ये है, हम लोग ये, मैं ख़ुद भी खाती हूँ और बच्चों को भी खिलाती हूँ, वाइट ऑट्स क्रैकर कंपनी का। और साथ में एक ये वाइट ऑट्स है, ये किसी नेस्लीन इंस कंपनी का है, ये भी मैं ट्राई करूँगी कि ये कैसा होता है। बाकी वो दूसरा ऑट्स वो तो हम खाते रहते हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, मैं बच्चों को भी खिलाती हूँ, ख़ुद भी ट्राई करती हूँ। और ये आलमंड्स हैं हमारे बच्चों के लिए, ये न्यूट्रेला आया है, न्यूट्रेला तो नहीं है, वही हेज़लनट चोको स्प्रेड। और ये हनी है आलमंड्स, और वो सारा पिस्ता ड्राई फ्रूट्स के साथ। और ये जो है प्लेन हनी है डाबर का, ये सारी चीज़ें रिसीव हुई हैं बस। और अभी हमारा डिश टीवी भी आ गया है, ये मैं लगवाऊंगी। कुछ जेलीस हैं जैनब के लिए, और जैनब जो हैं अपने कामों में लग गई हैं, उन्होंने अपने फीडर में खुद ही दूध वगैरह डाल लिया कि मम्मा तो बिजी हैं, मैं खुद ही कर लूँ। ओके, अभी टेंशन ये है कि इन सब सामान को अपनी अपनी जगह पर रखना है, रूम को क्लियर करना है। चलें अब मैं ये सारा काम स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर तक। ओके और व्यूअर्स, अभी यहाँ पर जो हूँ मैं अपने सारे कामों से फारिग हो गई हूँ, सारा सामान मैंने जगहों पर रख दिया, संभाल लिया है। और यहाँ जैनब जो हैं अपने सारे टॉयस उसने यहाँ रखे हुए हैं, हाउस बनाया हुआ है उसने। जैनब
आज ज़ैनब दिन में सोई भी नहीं है, तो उसको नींद भी आ रही है और सो नहीं रही, गुस्सा आया हुआ है, मूड ख़राब है। यहाँ पर जो है अभी बर्गर्स बनाने की तैयारी हो रही है, जिसमें मैं मायोनीस, चिली गार्लिक, कुकम्बर ये डालूँगी। ये रेडीमेड ये बर्गर्स मैं लेकर आई थी, और इसमें जो है ये मैसा चिकन पेटी, ये मैं बर्गर पेटी ये मैं लेकर आई थी मेन्यू से। ये सब करूँगी क्योंकि अभी बच्चे ट्यूशन से आने वाले हैं, तो बस उनके लिए ये बर्गर की तैयारी हो रही है। साथ में वही मैंने पुदीना वॉश करके रखा हुआ है, मिंट का जूस बनाऊँगी, और रात के खाने के लिए मैंने जो हूँ आलू की भुजिया ये रेडी की थी दिन में। और एक ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ है, वो भी मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं। ये एक स्टैंड आया है मेरे कार्गो में, ये भी बहुत प्यारा है डेगची वगैरह रखने के लिए, बहुत खूबसूरत सा ये स्टैंड है, इस पर आप गरम डेगची ला के ऐसा रख सकते हैं ना। चलें अभी मैं जो हूँ बर्गर बनाने की तैयारी करती हूँ। जनाब ये बर्गर हम मेरे रेडी हो गए हैं, इसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस, सबसे पहले मायोनीज, फिर खीरा, फिर कबाब और ये चिली गार्लिक सॉस लगाई है। सारे बर्गर रेडी हो चुके हैं और ये मेरा जूस भी हो गया है रेडी। बच्चे आ गए हैं और अब ये खाने लगे।